हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का वीडियो एक बहुत ही अच्छे टैबलेट के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। होप ये टैबलेट एक आपके लिए लाइफ सेविंग ऐसी टैबलेट बने फ्रेंड्स, और आप इस टैबलेट की इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक यूज़फुल टैबलेट है और ये टैबलेट पेन में भी यूज़ होती है और इसका एक इमरजेंसी यूज़ भी है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वो है टैबलेट डिस्प्रिन के ऊपर। फ्रेंड्स, डिस्प्रिन ये टैबलेट है और इसका कंटेंट है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसको हम दूसरा एक नाम है जिसको हम इसको एस्प्रिन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में इसके नाम से इकोस्प्रिन नाम से भी एक टैबलेट मिलता है। फ्रेंड्स, ये डिस्प्रिन नाम की टैबलेट जो है ये लगभग 11 रुपए की टैबलेट है, तो लगभग 1 रुपए में एक टैबलेट हो गई। फ्रेंड्स, इस टैबलेट का टीवी पर ऐड भी है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है और ये टैबलेट पेन में, सूजन में और फीवर में यूज़ होती है, ऐसा टीवी पर भी बताता है। बिल्कुल ये सही है, ये टैबलेट पेन में, फीवर में और इन्फ्लेमेशन में यूज़ होती है। इस टैबलेट के बारे में एक बात दोस्तों बहुत ज़रूरी ध्यान रखो, अगर कोई व्यक्ति डिस्प्रिन टैबलेट लेता है तो वो एक बात ध्यान में रखना ये ज़रूरी है कि इसको खाने के बाद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर खाने के पहले अगर इसको लेंगे तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी होगी फ्रेंड्स, और इसके साथ जो है एंटासिड लेना बहुत ज़रूरी है, रैंटेक या पेंटाप्रोजोल। फ्रेंड्स, अब इसके यूज़ के बारे में जैसे मैंने बताया, पेन किलर तो है, फीवर भी कम करता है और स्वेलिंग भी कम करता है। इसको और एक कंडीशन में आप ध्यान रखिए, अगर आपको फीवर बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, 101 या 102, तो उस कंडीशन में ये टैबलेट आप बिल्कुल यूज़ ना करें। फीवर बहुत ज़्यादा है तो, माइल्ड फीवर है, नॉर्मल फीवर आपको लगता है तो उस टाइम पे आप यूज़ करते हैं। मैं तो बोलता हूँ हेडेक जब है और इन्फ्लेमेशन किसी चीज़ में है तो उस कंडीशन में आप यूज़ कीजिए, फीवर में आप ज़्यादा मत जाइए, माइल्ड फीवर है तो ठीक है। दूसरा एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, प्रेगनेंसी में जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में है, छठे महीने से नवे महीने में जब हैं, तो ये डिस्प्रिन टैबलेट बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि इससे जो है ब्लीडिंग बढ़ सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स इस कैटेगरी में आता है। प्लस ये एनएसटीराइड भी, इसको बोलते हैं नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी ये है, तो पेन डेफिनेटली कम करता है। और एक कंडीशन, जब किसी पेशेंट को स्टेबल एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक आता है, उस कंडीशन में चेस्ट में बहुत पेन होता है, तो उस कंडीशन में ये टैबलेट हमारे घर पर रहना चाहिए। एक टैबलेट खा के आप हॉस्पिटल को रन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एक बात मैं आपको इसकी बताऊंगा कि ये बहुत अच्छी टैबलेट है और ये टैबलेट इमरजेंसी टैबलेट की कैटेगरी में आती है, तो अपने घर पर ज़रूर रखिए। बट इसको एक ही ध्यान रखिए, फीवर में मत देना, ज़्यादा फीवर में मत देना, कम फीवर है, माइल्ड फीवर है, हेडेक है तब लो। प्लस इसको जो है प्रेगनेंसी में अवॉइड करो। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।